नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में कोहरे के बाद ठंड का प्रकोप अभी भी जारी इसलिए है क्योंकि अब शीत लहर का पहरा है। हालांकि राजधानी पटना में अगर सुबह के मौसम को आज देखें तो ऐसा नहीं लगता कि कोहरे का प्रकोप भी छटा है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मौसम विभाग का आकलन क्या कहता है, कितने दिनों तक और शीतलहर की चपेट में पूरा बिहार रहेगा और कितने दिनों बाद लोगों को राहत मिलने वाली है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे कौन से बिहार के जिले हैं जहां पर अलर्ट घोषित किया गया है। पटना समेत लगभग पूरे सूबे में शीतलहर की स्थिति से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कड़ाके की ठंड और कई इलाकों में घने कोहरे के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो धूप नहीं निकलने की वजह से आम लोगों से लेकर पशु पक्षी तक बेहाल है। भागलपुर और पूर्णिया में घने कोहरे की स्थिति बनी है, जबकि पटना, गया, फारबिसगंज और सुपौल में आंशिक कोहरा दर्ज किया गया। पर्वतीय इलाकों से आ रही उत्तर पश्चिमी हवा के प्रवाह से मैदानी इलाकों में कपकपी की स्थिति है। भारी ठंड की वजह से बिहार के 12 जिलों में शीत दिवस का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना में पिछले दो दिनों तक हवा की रफ्तार लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रही, जिस वजह से गणतंत्र दिवस की शाम से लेकर अगले दिन यानी कि बुधवार को भी ठंड का सितम देखा गया। शाम ढलते ही सड़कें खाली होने लगी। ठंड की स्थिति को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सुपौल, गया और दरभंगा में शीत दिवस घोषित कर दिया गया है। बर्फीली हवा के प्रवाह की वजह से राज्य के अन्य 9 जिलों में भी यही स्थिति बनी हुई है। अधिकतम तापमान सामान्य से 6 से 11 डिग्री तक नीचे चला गया है। पटना में भी पिछले दो दिनों से भारी ठंड की स्थिति है। पटना के अलावा सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय और नवादा में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे आ गया है। इस वजह से इन इलाकों में भारी ठंड है। राज्य भर में डेहरी सबसे ठंड रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसमविदों का कहना है कि अगले 24 घंटे में भी इन इलाकों में यही स्थिति रहने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो झारखंड के आसपास एक प्रति चक्रवात की स्थिति बनने से अब उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव कम होने और पूर्वा का प्रभाव बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में ठंड की स्थिति में सुधार होने के आसार 1 से 2 दिनों में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी अधिकतम तापमान ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ेगा, लेकिन कनकनी से निजात जरूर मिलेगी। सूबे के दक्षिणी भाग में कई जगहों पर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी, कहीं कहीं घना कोहरा होगा और दोपहर के बाद धूप के दर्शन हो पाएंगे। तो फिलहाल बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां शीतलहर को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है, और इसके साथ ही अभी कहा यह जा रहा है मौसम विज्ञान केंद्र के हिसाब से कि अभी 1 से 2 दिनों तक और भी शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा पूरे बिहार में। राजधानी पटना की अगर हम बात कर लेते हैं तो आज की अगर हम ताज़ा बात करें तो यहाँ भी आंशिक रूप से कोहरे की स्थिति बनी रही और इसके साथ ही शीतलहर का प्रकोप भी देखा गया, जिस वजह से ठंड और कनकनी ज्यादा देखी गई। पिछले दो दिनों की अगर हम बात कर लेते हैं तो पिछले दो दिन से भी यही स्थिति बनी हुई है और अगले 1 से 2 दिन तक ये स्थिति रहने के आसार फिलहाल बताए जा रहे हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें हम आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।